हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिसे 1999 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था रोजर कुंबले ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम सेबेस्टियन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने साइकेट्रिस्ट के पास होता है। सेबेस्टियन एक जादू टाइप का लड़का होता है और वो अपने थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। थेरेपी खत्म होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर उस थेरेपिस्ट को उसकी बेटी का कॉल आता है और वो उसको बताती है उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड पिक्चर को वायरल कर दिया है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको डिटेल में बताती है। साइकेट्रिस्ट समझ जाती है वो लड़का कोई और नहीं सेबेस्टियन है। फिर वो थेरेपिस्ट ऊपर से ही उसे गाली देने लगती है और नीचे से सेबेस्टियन, जो कि एक लड़की के साथ होता है, सिर्फ उसकी तरफ देख कर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है, जिसका नाम कैथरीन होता है। कैथरीन उसी के साथ सेम कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन कॉलेज में उसकी रैपो बनी हुई है। फिर हम देखते हैं कैथरीन के घर पर सिजेल और उसकी माँ आई हुई है, और उसकी माँ चाहती है उसकी बेटी भी कैथरीन की तरह पॉपुलर हो। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ पर आता है, सिजेल की माँ उसे लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे सेबेस्टियन के चोदू होने के बारे में पता था। उन लोगों के जाने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब सिजेल के साथ है, उसके एक्स ने उसे सिजेल के लिए छोड़ा है, लेकिन अब वो सिजेल से बदला लेना चाहती है। और वो सेबेस्टियन से सिजेल को इम्प्रेस करके सेड्यूस करने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी उसकी नज़र प्रिंसिपल की बेटी एनेट पर है। फिर बातों ही बातों में कैथरीन सेबेस्टियन से शर्त लगाती है कि अगर वो एनेट को सेड्यूस कर लेगा तो वह उसके साथ इंटीमेट होगी, और अगर वो हार जाएगा तो उसे अपनी कार कैथरीन को देनी होगी। फिर वो उसे पटाने में लग जाता है। उसे पता चलता है एनेट उसकी आंट के यहाँ आई हुई है। फिर वो उसे मिलकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट को सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ पता होता है और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन एनेट उसे ये नहीं बताती कि उसे ये सब कुछ किसने बताया है। फिर हम देखते हैं कैथरीन भी अपने काम में लग जाती है और वो सिजेल के घर पर जाती है, जहां रोनाल्ड भी होता है। दरअसल रोनाल्ड सिजेल को वायलिन बजाना सिखाता है और इसीलिए वो उसके घर पर आता रहता था, और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी थे। लेकिन सिजेल की माँ इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसे लगता था रोनाल्ड सिर्फ उसका वायलिन टीचर है। फिर हम देखते हैं सेबेस्टियन अपने दोस्त के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश करता है कि एनेट को उसके बारे में किसने बताया है। फिर उसको ग्रेग नाम के एक लड़के पर शक होता है, जो गे होता है। दूसरी तरफ कैथरीन सिजेल को लेकर बाहर घूमने जाती है और दोनों रोनाल्ड के बारे में बात करते हैं। सिजेल कैथरीन से कहती है रोनाल्ड ने उसे प्रपोज किया है, लेकिन उसने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया। और बातों ही बातों में कैथरीन उससे उस लव लेटर की कॉपी लाने को कहती है। फिर कैथरीन सिजेल को किस करना भी सिखाती है, क्योंकि सिजेल बहुत सीधी होती है और उसे ये सब नहीं आता था। फिर सेबेस्टियन एनेट से मिलता है और उसे बैग गिफ्ट करता है और अपने साथ पूल में आने को कहता है। दोनों पूल के अंदर होते हैं और फिर वो एनेट को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन एनेट उसे मना कर देती है। फिर सेबेस्टियन ग्रेग के पास जाता है, क्योंकि उसे उस पर ही शक होता है। ग्रेग अपने मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा था। सेबेस्टियन उसकी पिक क्लिक कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करके पूछता है एनेट को उसके बारे में क्यों बताया। तब ग्रेग कहता है मैंने एनेट को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। फिर सेबेस्टियन ग्रेग को पता लगाने के लिए कहता है। फिर ग्रेग एनेट से मिलता है और वो पता लगा लेता है कि एनेट को सेबेस्टियन के बारे में किसने बताया। फिर ग्रेग सेबेस्टियन को बताता है कि सिजेल की माँ ने एनेट को उसके बारे में बताया। पता चलने के बाद वो अपनी स्टेप सिस्टर कैथरीन से मिलता है, जो सिजेल और रोनाल्ड की एक वीडियो क्लिप देख रही थी। फिर सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि सिजेल की माँ ने एनेट को उसके बारे में बताया है, और फिर वो कैथरीन के साथ मिलकर सिजेल से बदला लेना चाहता है। फिर कैथरीन रोनाल्ड और सिजेल के बारे में सिजेल की माँ को बता देती है। घर आकर सिजेल की माँ सिजेल को सुनाती है और रोनाल्ड को उसके काम से बाहर निकाल देती है। फिर कैथरीन और सेबेस्टियन रोनाल्ड से मिलते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। घर पर दोनों मिलकर रोनाल्ड को कन्वेंस करते हैं कि वो सिजेल के लिए एक लेटर लिखे। सेबेस्टियन सिजेल को फोन करके कहता है कि उसके पास रोनाल्ड का लेटर है। सिजेल चुपके से मिलने सेबेस्टियन के घर आती है। सिजेल चोमू तो थी, और सेबेस्टियन इसका फायदा उठाता है और उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। फिर सेबेस्टियन उसको ब्लैकमेल करता है और वो कहता है वो उसकी मॉम को बता देगा कि वो घर पर नहीं है और वो उसके साथ है। सिजेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और सेबेस्टियन इसका पूरा फायदा उठाता है। फिर हम देखते हैं एनेट और सेबेस्टियन कार में होते हैं और दोनों के बीच बातें होती हैं। फिर एनेट उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर सिजेल कैथरीन को अपने और सेबेस्टियन के बीच हुए इंसिडेंट को बताती है।
फिर कैथरीन उसको सलाह देती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और उसे ऐसा करते रहना चाहिए। एक बार सेबेस्टियन जब एनेट को देख रहा होता है तब कैथरीन वहाँ पर आती है। सेबेस्टियन कैथरीन से एनेट की तारीफ करता है। ये सुनकर कैथरीन सेबेस्टियन से कार की चाबी मांगती है क्योंकि वो शर्त हारने वाला था। फिर सेबेस्टियन उससे कहता है कि अब तक उसने हार नहीं मानी और वो शर्त जीत कर रहेगा। फिर सेबेस्टियन एनेट से मिलता है और दोनों किस करने लगते हैं। तभी एनेट सेबेस्टियन को रोकती है और इस बात पर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन एनेट को गुड बाय कहने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहा होता है। और फिर दोनों के बीच बातें होती हैं और एनेट उसे किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहती है। सेबेस्टियन को पता होता है अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा तो वो शर्त जीत जाएगा, लेकिन अब वो एनेट से सचमुच प्यार करने लगा था। वो उसके साथ कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैथरीन सेबेस्टियन से पूछती है, वो उसे सब कुछ बता देता है और वो कहता है सिजेल से बदला लेने के लिए अब वो उसका साथ नहीं देगा क्योंकि सिजेल बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की है। ये सब सुनकर कैथरीन शॉक हो जाती है। फिर कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है एनेट शहर से बाहर जा रही है। ये सुनकर सेबेस्टियन एनेट से मिलने के लिए निकल जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। फिर दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये सब होने के बाद वो घर आता है क्योंकि वो शर्त जीत गया था। फिर कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सेबेस्टियन कैथरीन से मना कर देता है क्योंकि वो सच में एनेट से प्यार करने लगा था। ये बात सुनकर कैथरीन की जल जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब कैथरीन सेबेस्टियन को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो एनेट को सब कुछ बता देगी कि सेबेस्टियन उसके साथ शर्त जीतने के लिए इंटीमेट हुआ है। ये सुनकर वो कैथरीन से कहता है कि वो खुद एनेट को सच बता देगा। इसके बाद वो एनेट से मिलकर उसे सच्चाई बता देता है। सच जानकर एनेट को बहुत दुख होता है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन से मिलता है और जो कुछ भी हुआ उसे सब बताता है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है और वो कहती है जो कुछ हुआ वो सब उसने प्लान करके रखा था, वो उसका ब्रेकअप कराना चाहती थी। ये सुनकर सेबेस्टियन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो एनेट को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। फिर वो वहाँ पर अपनी डायरी और लेटर रखकर बाहर उसका वेट करने लगता है। फिर वो डायरी और लेटर एनेट को मिलता है। उस लेटर में उसने एनेट से माफ़ी मांगी थी। फिर उसके बाद वो डायरी ओपन करती है जिसमें सेबेस्टियन ने कैथरीन के सारे गलत कामों को लिखा था। दूसरी तरफ कैथरीन रोनाल्ड को कॉल करती है और उसे सेबेस्टियन के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है सेबेस्टियन और सिजेल का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रोनाल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाता है। फिर एनेट को डायरी पढ़ने के बाद सारी सच्चाई पता लग जाती है और वो सेबेस्टियन से मिलती है। वो उसके घर के पास खड़ा था और वो जाने ही वाला था, फिर वहाँ रोनाल्ड भी आता है। रोनाल्ड अपना गुस्सा सेबेस्टियन पर उतारता है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। एनेट उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन धक्का लगने पर वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है। उसे बचाने के लिए सेबेस्टियन आगे आ जाता है जिसमें एनेट तो बच जाती है लेकिन सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। सेबेस्टियन के फ्यूनरल पर जब कैथरीन स्पीच दे रही होती है तभी सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो सिजेल सेबेस्टियन की डायरी की कॉपी बांट रही होती है जिसके अंदर कैथरीन के सारे कारनामों के बारे में लिखा था। डायरी को पढ़कर सभी को कैथरीन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और फिर उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। फिर हम एनेट को देखते हैं जो सेबेस्टियन की डायरी के साथ उसकी कार चला रही होती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।